हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय टॉप 15 प्रोडक्ट्स अंडर ₹500। तो यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हूँ सारे के सारे मुझे बेहद पसंद आ रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है एंड कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है femstyle212। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टार्टिंग विथ टूडेज लिप शेड, तो आज मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे NYB का ड्यूअल मैट लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है इनसाइडर लुक 6। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट हैज़ टू बी मेकअप ब्रशेस। तो आप लोग हमेशा ही मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दी अफोर्डेबल रेंज का कोई अच्छा मेकअप ब्रशेस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो डियर, मैंने आप लोगों के साथ पहले ही अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेस के 2-3 वीडियोज़ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ नहीं है। बट जो भी मैं यूज़ करती हूँ सभी के मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू वीडियो भी शेयर किया हुआ है। रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है ये मेकअप ब्रशेज़ का सेट, जिसमें आपको 11 मेकअप ब्रशेज़ मिल जाते हैं। इसमें आपको फेस के लिए, इवन आइज़ के लिए भी मेकअप ब्रशेज़ मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। आई गेस इनका प्राइस 600 समथिंग रुपीज है। तो ये मुझे बिल्कुल भी प्राइस ही नहीं लगता है, क्योंकि आपको इसमें जितने भी ब्रशेस की जरूरत है सारे के सारे ब्रशेस मिल जाते हैं। अगर क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको एक अच्छा खासा क्वालिटी इसमें जरूर मिल जाता है। तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है एंड मैंने आप लोगों को इसको यूज करके भी दिखाया है कि इसका फिनिशिंग किस तरह से आता है जब आप इन मेकअप ब्रशेस को यूज करेंगे। तो इसमें आपको आई गेस 2-3 कलर्स मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था, तो ये मुझे बेहद पसंद है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में मेकअप ब्रशेस ट्राई करना है डियर, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी आई शेडो पैलेट से। तो आप लोगों को पता है कि जितने भी मार्केट्स में अफोर्डेबल रेंज के आई शेडो पैलेट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बहुत ही ज़्यादा पाउडरी होता है, दूसरा पिगमेंटेशन नहीं होता है, थर्ड फॉल आउट्स होता है। तो यहाँ पर जो मैं पैलेट शेयर करने वाली हूँ इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर हिलारी रोडा का ये वाला आई शेडो पैलेट। तो मैंने एक आप लोगों के साथ सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें इसको मैंने डेमो करके दिखाया है। लाइव वीडियो में आप लोगों के साथ आईज पे मेकअप करके शो किया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ मेकअप पैलेट्स आई शेडो पैलेट्स अंडर ₹300 वाला वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मैंने सिर्फ आई शेडो पैलेट्स ही शेयर किए हैं। कोई भी सिंगल आई शेडो मैंने उसमें नहीं शेयर किया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। कलर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड्स हैं इनमें। इसमें इसे आप जो है बिल्कुल एक एथनिक सा लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इससे बोलते हैं ना पॉपी, थोड़ा सा जो आपको हाईलाइट हो उस तरह के भी कलर्स है, तो आप उस तरह का भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे स्मोकी आई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पैलेट है मुझे बेहद पसंद है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मेरे पास है यहाँ पे फेसेस कैनेडा का ये वाला फेस पैलेट। तो ये भी मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसका जो है प्राइस है अराउंड 800 समथिंग रुपीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट मैंने इसको परचेज किया था, यस ये 899 रुपीज़ का है, बट मैंने इसको फ्लिपकार्ट से 584 रुपीज़ का परचेज किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इनका अगर पिगमेंटेशन बोलूँ तो इसमें आपको दो तरह के वेरियंट्स मिल जाएंगे। एक है फ्रेश, जो कि मेरे पास है। इसके अलावा आता है ग्लो, जिसमें आपको यहाँ पे पिंक की जगह पे ऑरेंजी काइंड ऑफ ब्लश मिल जाता है। वो डस्की स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आपकी थोड़ी सी भी फेयर या व्हीटिश काइंड ऑफ स्किन टोन है तो आप दोनों ही पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा स्वॉच आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको एक लाइट काइंड ऑफ ब्लश, कॉन्टोरिंग और हाइलाइटर्स पसंद है तो देन ट्रस्ट मी, ये पैलेट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर इसकी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। मुझे पर्सनली इसका हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो कॉन्टोरिंग के लिए ब्रॉन्जर का जो शेड है, ये अगेन आपको बहुत ही अच्छा नेचुरल सा ब्रॉन्जर प्रोवाइड करेगी। एंड जो ब्लश है ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आपको एक एवरीडे का लुक प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे ये जो आई शेडो पैलेट है इसका भी कुछ कुछ शेड्स को स्वॉच कर देती हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैंने वीडियो में सब कुछ नहीं बोला। कई लोगों की कंप्लेंस होती है कि मैं वीडियो में सब कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भी चीज़ें भूल जाती हूँ। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट शेड्स पिक किया है एंड दीज आर द स्वॉचेस। तो ये दोनों लाइट शेड है, दिस वन इज डार्क शेड, अगेन ये लाइट शेड है। मैंने एक भी डार्क शेड यहाँ पे पिक नहीं किया। तो मैं यहाँ पे
दो तीन डार्क शेड्स पिक करके उसका भी स्वॉच शेयर कर रही हूँ। लाइट शेड्स इसके काफी ज्यादा प्यारे हैं एंड ये हैं इनके डार्क शेड्स। सो डार्क शेड्स भी अगेन बहुत ही ज्यादा प्यारा है इनका। आप देख सकते हैं कि पिगमेंटेशन काफी अच्छी है। इसमें आपको मैट और शिमरी दोनों शेड्स मिल जाएंगे। इसका प्राइस 250 रुपीज़ है, आई गेस मैंने आप लोगों को बता दिया होगा। यस, इसके बाद है मेरे मेरे पास यहाँ पे कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैं कोई भी सिंगल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत सारे अफोर्डेबल रेंज के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई करती रहती हूँ, बट जो कुछ मुझे पसंद है मैं वो इस वीडियो में बता रही हूँ। लाइक सारी चीज़ें नहीं, बट कुछ चीज़ें बता रही हूँ। तो पहला है ये त्रिचुप हेयर ऑयल, जो कि मुझे बेहद पसंद है। इसके मैंने दोनों वेरियंट्स ट्राई किए हुए हैं, दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे पास इनका छोटा साइज़ अवेलेबल है, इनमें एक बड़ा साइज़ भी आता है। इसको परचेज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है। ये मुझे थोड़ा प्राइजी लगता है। इसका प्राइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 160 रुपीज का रिटेल करता है। और इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी 160 रुपीज़ का रिटेल करता है एंड इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। जिसका बड़ा वाला है उसका प्राइस है 260 रुपीज़ एंड उसमें आपको आई गेस 250 ml या फिर 200 ml प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वो मुझे ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे बेहद पसंद है। इसके अलावा मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ एक कंडीशनर, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ लाइक इसका रिव्यू शेयर किया हुआ है। तो ये है SYOSS का कंडीशनर। तो इसमें अगेन मैंने दो वेरिएंट्स परचेज किए थे, एक मेरी सिस्टर के लिए, एक मेरे लिए। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा क्रीमी काइंड ऑफ है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके लाइक हेयर को ये स्मूदन आउट करता है, थोड़ा सा नरिश करता है। प्राइस की बात करूँ तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 425 रुपीज़। इसको मैंने नायका से परचेज किया था, तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपको एक बहुत ही अच्छा क्रीमी काइंड ऑफ कंडीशनर पसंद है तो। इसके अलावा मैं जो एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ एक्चुअली क्लिंजिंग मिल्क। तो मुझे पर्सनली अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए कोई भी मेकअप रिमूवर पसंद नहीं आता, तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ द बॉडी केयर का क्लिंजिंग मिल्क। अगेन आपको इसमें 2-3 वेरियंट्स मिल जाएगा। इसमें मेरा वेरियंट है मिल्क एंड रोज एंड इसका प्राइस है 160 रुपीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 179 रुपीज़। इसमें आपको 400 ml की क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आपके फेस को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन डू ट्राई दिस प्रोडक्ट। इसमें आपको ऑयली स्किन वाले वालों के लिए भी बहुत ही तरह के वेरियंट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरा सेकंड परचेज है। मैंने इसके पहले इसका छोटा वाला वेरियंट परचेज किया था, मुझे पसंद आ गया, इस वजह से मैंने बड़ा वाला ऑर्डर कर दिया था। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है फॉल्स लैशेस। तो आई नो फॉल्स लैशेस आपको मार्केट में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक अफोर्डेबल रेंज में अच्छा फॉल्स लैशेस। तो आज जो मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारा सा फॉल्स लैशेस है। तो इसको मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से एंड इसमें कोई भी वेरियंट मेंशन नहीं है, बट इसमें आपको 5 पेयर्स मिल जाएगा फॉर 200 रुपीज़। इसका ब्रांड है येमिक्स। तो ये भी मुझे बेहद पसंद आया। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी प्लास्टिक की नहीं है। बट ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल आपको नेचुरल हेयर वाली फीलिंग आएगी, बट डेफिनेटली ये प्लास्टिक ही नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जो है इसको अपने वेडिंग गेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एथनिक वेयर, कोई भी ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये आप देख सकते हैं कि पैकेट में इस तरह का लग रहा है। आज मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का लुक प्रोवाइड करती है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में कोई फॉल्स लैशेस चाहिए तो। इसके बाद मेरे पास अगेन यहाँ पे कुछ स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्किन केयर में शेयर कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये ग्रेप सीड स्किन टाइटनिंग फेशियल ऑयल। तो अगेन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपने इनका रोजहिप वाला सेरम ट्राई किया है देन डू ट्राई दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल रोजहिप वाले से मिलता जुलता है। ये आपके फेस को बहुत ही अच्छा सा एक वेलवेटी सॉफ्ट सा टेक्सचर प्रोवाइड करती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है देन डेफिनेटली ये आपको बहुत पसंद आएगा। ऑयली स्किन वाले इसको आई डोंट थिंक सो कि समर में यूज़ कर पाएंगे, बट विंटर्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस 175 रुपीज़ है, बट क्योंकि ये purple.com पे अवेलेबल है, तो आप इसको हमेशा ही कोई भी सेल में ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कुछ लिप्स के प्रोडक्ट्स, जो कि हैं फर्स्ट वन इज NK का प्योर लिप ऑयल। तो बेसिकली ये कोई लिप ऑयल नहीं है, ये एक लिप ग्लॉस है एंड इसमें मेरा फ्लेवर है वनीला। इसमें आपको होहोबा ऑयल, आर्गन ऑयल एंड विटामिन ई मिल जाता है। फिनिश इसकी काफ़ी अच्छी है। आप किसी भी लिपस्टिक के ऊपर इसको टॉप अप करके उसको बहुत ही अच्छा सा एक ग्लॉसी वाला लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा शीन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी पसंद है मुझे ये, विंटर्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे वेरियंट
वेरिएंट्स मिल जाएंगे डिफरेंट कलर्स के, बट आई गेस सारे के सारे जो इसके लिप ऑयल हैं ये आपको कलरलेस ही मिलेंगे, बस आपको प्रोडक्ट में थोड़ा सा कलर मिलेगा, तो ये भी मुझे बेहद पसंद है। प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है 395 रुपीज़, बट मैंने इसको नायका पे 200 रुपीज़ से भी कम का परचेज किया था, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट पसंद आ रहा है दैट हैज़ टू बी वाडी हर्बल्स का ये वाला लिप बाम, तो ये मेरा सेकंड परचेज है। इसके पहले मैंने इसका मिंट वाला परचेज किया था, इस बार मैंने परचेज किया है ब्लूबेरी का लिप बाम। ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको एक अफोर्डेबल रेंज का लिप बाम चाहिए देन डू ट्राई दिस प्रोडक्ट, और इसका प्राइस है 40 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें आपको 48 रुपीज़, इसमें अगेन आपको दो साइजेस मिल जाएंगे, ये वाला इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये छोटा वाला साइज है, एंड स्मेल इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छी तरह से आपके लिप्स को हाइड्रेट करेगी। तो अगर आपको एक वर्किंग अफोर्डेबल लिप बाम चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ नेल पॉलिशेस, तो आई नो आप लोगों को मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग हमेशा ही मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं दी आपने कौन सा नेल पेंट अप्लाई किया, कौन सा नेल पेंट अप्लाई किया। तो देखिए मैं हमेशा ही बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का नेल पेंट यूज़ करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा ही ब्रांडेड नेल पेंट्स परचेज करूँ, जो कलर मुझे अच्छा लग जाता है मैं उसे परचेज कर लेती हूँ। बहुत जल्द मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं अपने करंट नेल पॉलिश लाइक नेल पॉलिशेस शेयर करूँगी, तो उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट आज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ स्टेक वर्की का ये ब्लैक वाला नेल पेंट। बेसिकली मुझे इसका ब्लैक नेल पेंट नहीं, स्टेक वर्की के जितने भी इस तरह के नेल पेंट्स आते हैं मुझे बेहद पसंद हैं, मैंने ट्राई किया हुआ है। आपके नेल्स भी ये अच्छी तरह से 4 to 5 days के लिए लास्ट करेगा अगर आप किसी भी तरह का काम करते हैं तो, क्योंकि मैं घर के भी काम करती हूँ तो आप लोगों को पता है, तो उसकी वजह से जो है नेल्स पे बहुत देर तक नेल पॉलिशेस तो टिक नहीं पाते, बट डेफिनेटली ये 4 से 5 दिन ज़रूर टिक जाएगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसका प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ है, 50 या 60 रुपीज़ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अफोर्डेबल रेंज का नेल पेंट चाहिए तो। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगेन स्टेक वर्की जो है आपको सिर्फ और सिर्फ purple.com पे ही मिलेगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे हैं कुछ लिपस्टिक्स, डेफिनेटली लिपस्टिक्स जो है वो होना ही होना है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड मैं जनरली जितने भी लिपस्टिक्स परचेज करती हूँ सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी स्टेक वर्की के ये लिप पेंसिल से, ये जो है रिसेंट लॉन्च है, मैंने इनका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। एक लिपस्टिक का प्राइस है लेट मी जस्ट सी 259 रुपीज़, ये इतना छोटू सा प्रोडक्ट ही है और काफ़ी अच्छा सा इनका मैट ब्लैक सा पैकेजिंग आता है, पीछे आपको इस तरह से लाइक शेड्स मिल जाएंगे। एंड फॉर्मूला की बात करूँ देन दिस इज सो लाइक बटरी सॉफ्ट इनका फॉर्मूला है, जस्ट लेट मी शो यू वंस, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, बिल्कुल बटरी सॉफ्ट है। आप इसको लिप्स पे एज वेल एज लाइक चीक्स पे यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लश, तो ये मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपको इसको टचअप करते रहना पड़ेगा, बस इसका यही एक कॉन है, अदरवाइज मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने लाइक नेक्स्ट जो लिप शेड आप लोगों के साथ आज शेयर किया है दैट इज़ NYBA का लिप क्रेयॉन। अगेन ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका प्राइस जो है 125 रुपीज़ है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 11, तो ये मेरा सेकंड परचेज है। इसके पहले जो मैंने परचेज किया था वो मेरी सिस्टर यूज़ करती है, एंड ये शेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने इसको खुद के लिए परचेज कर लिया है, एंड जस्ट सीधा लाइक शेड काफ़ी ज़्यादा प्यारा शेड है एवरीडे के लिए, अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो है कोई भी लाइक ऑफिस गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल इस तरह के शेड्स कैरी कर सकते हैं, प्लस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, देन आप इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें अगेन आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, इसमें आपको अराउंड 40 शेड्स तक मिल जाता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लिप्स पे काफ़ी देर तक तो नहीं बट हाँ अच्छा खासा ये लाइक 2-3 hours के लिए डेफिनेटली लास्ट करेगा। लास्टली जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ NYBA के लिक्विड लिपस्टिक्स, तो ये जो है मैंने रिसेंटली परचेज किया है, ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। इसमें मेरे पास टोटल लाइक 3 shades थे, तो एक शेड मैंने मेरी मॉम को दे दिया, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक मुझे पसंद आया। इसका प्राइस जो है अराउंड 200 something rupees का है, एंड इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 8 एंड शेड नंबर 15, तो मैंने जो है सेपरेट वीडियोज़ इन पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, लिप्स को अच्छी तरह से हाइड्रेट करती है, लिप्स पे लॉन्ग लास्टिंग है, तो इनमें मुझे पर्सनली कोई भी कॉन नज़र नहीं आता, प्लस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इसको एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड लेट मी शो यू ऑल द पिगमेंटेशन, सो जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन,
क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक है तो देन डेफिनेटली इसमें आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा पता चलेगा एंड कलर इनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल सटल सा कलर है। तो अगर आपको इस तरह के शेड्स पसंद आते हैं देन डू ट्राई दिस प्रोडक्ट, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बेहद पसंद है। डेफिनेटली मैं इसका एक सेकेंड पार्ट भी लेकर के आऊँगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।